सोलन में होमगार्ड का कार्यालय पिछले काफी समय से किराए के भवन में चल रहा है। ये भवन सोलन से काफी दूर स्थित था और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी न के बराबर थी, जिसके चलते अक्सर अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब होमगार्ड का नया भवन पावर हाउस रोड पर बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 3 मंजिला इस भवन में पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, वहीं अन्य सुविधाओं का भी इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। अधिक जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता प्रमोद आर्य ने बताया कि 3 मंजिला इस भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसे अब अंतिम परिष्करण दिया जा रहा है। इस माह के अंत तक सारा कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि करीबन 70 लाख रुपए से इस भवन का निर्माण किया गया है। अधिक जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता प्रमोद आर्य ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सोलन होमगार्ड का भवन 3 वर्षों से पावर हाउस रोड पर बनाया जा रहा है, जिसका कार्य कुछ ही दिनों में संपन्न होने वाला है। अब केवल रंग रोगन का कार्य ही शेष बचा है। निर्माण कार्य में कोई त्रुटि न रह जाए, इसके लिए वे स्वयं मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में जुटे ठेकेदार को इस माह के अंत तक निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस भवन को होमगार्ड कमांडर को सौंप दिया जाएगा। ये होमगार्ड ऑफिस की बिल्डिंग लगभग 3 सालों से इसका काम चला है और ये लगभग इस महीने के 30 तारीख तक ये लगभग ख़त्म हो जाएगा, फाइनल स्टेज पे है। ये बिल्डिंग का अवार्डेड अमाउंट लगभग 70,50,000 के आसपास है। अब इसमें फाइनल कोट पेंट का ही रह गया और थोड़ा प्राइमर और आउटर में जो शेड ये सनशेड से हैं वो रह गए। ये सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक लगभग लेबर लगी है। पर्सनली मैं हर रोज़ सुबह शाम चेक कर रहा हूँ जी। कॉन्ट्रैक्टर को जल्दी से जल्दी काम निपटाने के डायरेक्शन दे रहे हैं। हमने हर रोज़ उनसे मीटिंग ले रहे हैं, हर रोज़ उनसे बात कर रहे हैं, साइट पर भी बात कर रहे हैं। जो कमियाँ हैं एक एक कमियों को बार बार चेक करके हम दुरुस्त करवा रहे हैं।